सो हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को थैंक्स यार, इतने सारे लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर यूएस में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमको काम करना हो अभी के टाइम पे तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमको सैलरी मिल जाती है अगर हम फ्रेशर हैं, या फिर हमको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, इससे कई लोगों ने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, कई लोग बीटेक से हैं, कई लोग फ्रेशर हैं, कई लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, तो सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर ली है ठीक है, और आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो आप एक काम जरूर करना, आप एक्सपीरियंस ले लेना ठीक है। एक्सपीरियंस पे आपको फायदा ही होगा, 1 ईयर तक कहीं भी एक्सपीरियंस लोगे फिर भी आपको बेनिफिट ही होगा। एक तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा यूएस में, और दूसरा फायदा आपको ये होगा आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, आप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ले लो। अब बात करते हैं, देखो आपको इसके लिए वर्क वीजा की जरूरत पड़ेगी, एकदम कंपलसरी है। तो वर्क वीजा के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगते हैं, अगर आप इंडिया से हो या फिर कहीं से भी हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट पहले आप सुन लो ठीक है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है बेसिकली आपका एक्सपीरियंस लेटर, आप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ले लेना। दूसरा आपका पासपोर्ट ठीक है। थर्ड है आपका क्वालिफिकेशन कॉपी, आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, 10th 12th पास, ग्रेजुएशन, मास्टर, जो भी डिग्री ले रखी है सबके सर्टिफिकेट्स रख लेना। आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है, आपको बेसिकली प्रूफ ऑफ फंड की जरूरत पड़ती है, उसमें लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड होता है ठीक है। आपको बेसिकली इंग्लिश काफी रिक्वायर्ड है, इंग्लिश पे ध्यान देना, इंग्लिश तो कंपलसरी है। मैंने इस पर डिटेल में चीजें वीडियोस बना रखी हैं, तो भी आप देख सकते हो चैनल पे है। और बेसिकली इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि कंपनीज जो है कंपलसरी कर दी है अभी के टाइम पे, ये चीज ध्यान देना। और बेसिकली और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका फैमिली सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो भी हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस होती है, सारी चीजें आपकी जरूरत पड़ती है। और बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यही 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ते हैं। और बेसिकली ये थी छोटी सी वीडियो। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, मैं भूल जाता हूँ, पहले सैलरी के बारे में बात करते हैं कि यूएस में मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी कितनी मिल जाती है। देखो सैलरी के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, सैलरी जो आपको मिलेगा अभी के टाइम पे वो आपको लगभग, अगर आप फ्रेशर हो ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा से कोर्स कर रखा है, तो लगभग आपको 15 से लेकर के $25 यूएस डॉलर आपको पर आवर मिल जाता है ठीक है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है अच्छा खासा, तो सॉरी अगर आप बीटेक से किए हुए हो, बीटेक से कोर्स आपने किया हुआ है, तो लगभग $40 तक भी पर आवर यूएस डॉलर लोग अर्न कर रहे हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बीटेक के बाद ठीक है। तो डिप्लोमा पे आपको वही से 15 से 25, और बीटेक पे आपको लगभग $40 से $45 तक मिल जाता है। तो बस यदि छोटी सी वीडियो, कोई डाउट हो कमेंट करो। हैव ए नाइस डे।